इसको बताएंगे कैसे सेटअप करेंगे। आपने अगर नया फ़ोन लिया तो हम नए फ़ोन को हम कैसे सेटअप कर सकते हैं, ये मैं आपको जानकारी दूंगा। ये यूजफुल जानकारी है दोस्तों, बहुत बार नए फ़ोन लेते हैं ना तो उनको सेटअप करने में मुसीबत होती है, और मैं आपको सेटअप के साथ साथ कुछ ऐसी जानकारियाँ दूंगा जिससे कि आप अपने फ़ोन को बेहतर चला पाएंगे, हैंग नहीं करेगा, और कुछ सेटिंग को आप बदल देंगे तो फ़ोन में ऐड भी नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मली लोग ना सेटअप नॉर्मली तरीके से करते हैं। तो इसको करिए सेटअप। खैर यहाँ पे सबसे पहला तो यही आएगा, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, चाहे तो यहाँ पे इंडिया कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश और लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया रीजन ऑल रीजन में इंडिया कर दीजिए। नहीं भी करेंगे तो इंडिया कोई दिक्कत नहीं है, बट इंडिया करते हैं तो आपके यूट्यूब में हर जगह प्रेफरेंस आपके इंडिया के हिसाब से रहेगा, जो इंडिया में ट्रेंडिंग चल रहा होगा वो सब दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ पे लोकेशन आया, इंडिया कर दीजिए, फिर ये आया एंड यूज़र प्राइवेसी, ओके, और ये सेटअप है। तो ऐसे देखिए ये आईक्यू का मोबाइल है, बट ये दूसरे फ़ोन में भी सब में भी इस तरीके से सेटअप होता है ऑलमोस्ट। सेटअप ऑफलाइन कर दीजिए, वैसे मैं चाहूँ तो वाईफाई कनेक्ट करके मैं कर सकता हूँ, बट मैं ऑफलाइन ही सेटअप करूँगा फिलहाल। और ये जब करते हैं ना तो ये वाला बंद कर दीजिएगा, सेंड यूजेस एंड डायग्नोस्टिक डाटा, इसको बंद कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है ये वाला, बाकी सब ओके है। ओके एक्सेप्ट कर दीजिए, इधर नीचे एक्सेप्ट आया ना, ओह सॉरी, एक्सेप्ट करिए। फिर आपको इस तरह से लॉक फिंगरप्रिंट आता है, वैसे चाहे तो यहाँ भी आप सेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर दीजिए। और अगर सेट करेंगे जैसे फेस या स्क्रीन लॉक पे क्लिक करेंगे तो आपको चाहिए पैटर्न लॉक, तो पैटर्न लॉक यहाँ से सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये चीज़ है, चलिए मैं एक सेट कर ही लेता हूँ अभी, ये मैंने सेट किया। फिंगरप्रिंट भी मैं चाहूँ तो यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, स्टार्ट, ओके स्टार्ट। ये इस तरह से उंगली रखते जाइए, इस तरह से आपका सेटअप होते जाएगा। चारों साइड आपको रखना है, ऐसे भी रखना है, खड़ा करके साइड करके इस तरह से रखिए, आपका फिंगरप्रिंट सेटअप हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ बिगिनर लोगों के लिए, जो कि ना बिल्कुल यूज़ करना नहीं जानते हैं, नया फ़ोन लिए हैं तो बहुत काम आ जाएगा आपको, या तो आपके फैमिली में किसी ने फ़ोन लिया तो इस तरीके से सेटअप कर पाएंगे। ओके ये हमारा सेट हो गया, चाहे तो आप दूसरा उंगली भी डाल सकते हैं, ये वाला भी डाल सकते हैं, तो कभी आप खाना पीना खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो ऐसे में काम आ जाएगा, एड अनदर फिंगरप्रिंट, लेकिन मैं एक ही रखूँगा, डन कर दीजिए। और फेस लॉक भी चाहे करना तो फेस लॉक भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं फ़िलहाल अभी छोड़ देता हूँ, एग्री। फिर ये आएगा ना, ये ज़रूरी सेटिंग है, स्मार्ट अपग्रेड जो है ना इसको बंद कर दीजिएगा, इससे होगा क्या, मोबाइल में कोई भी अपडेट आएगा ऑटोमेटिक ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत लोग इसको नहीं वो करते हैं, मतलब इसको चालू ही रहने देते हैं, तो इसको चालू मत रखिएगा। और नीचे आएंगे जीवी होम, ये भी बंद कर दीजिए, पर्सनलाइज रिकमेंडेशन ये भी बंद कर दीजिए, लॉक्ड लॉक स्क्रीन पोस्टर चलेगा वो वाला, सॉफ्टवेयर अपडेट पैरामीटर, तो इस तरह से है पैरामीटर अपडेट, खैर इसको SP है कुछ, ये नेविगेशन और जेस्चर, आपको बटन वाला पसंद है ना तो बटन रखिए, नहीं तो जेस्चर रखिए, तो खैर मैं बटन ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा ये सेटअप हो गया, फ़ोन गेट स्टार्टेड करना है और रेडी, यू आर रेडी टू गो। अब यहाँ पे इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं एक दो जरूरी सेटिंग बताऊँगा जो कि आपको करके रखना चाहिए। पहली बात, यहाँ पे इसको ना ये स्टोर जो मिलेगा इसको बंद कर दीजिएगा, इसको नोटिफिकेशन जो है ना ऐप इन्फो में जाके अगर अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिखता है तो अनइंस्टॉल कर दीजिए, नहीं तो इसको फोर्स स्टॉप कर दीजिए। फिर होम स्क्रीन पे जाके, जैसे देखिए दो उंगली से पिंच करना है ऐसे, होम स्क्रीन में जाइए, गूगल डिस्कवर बंद कर दीजिए, और आई थिंक अब आपका ओके है। और ये ग्लोबल सर्च स्वाइप ये है ना, स्वाइप वाला, इसको नोटिफिकेशन कर दीजिए, इससे होगा क्या, अब ऐसे करोगे ना तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ये सही लगता है। तो इस तरीके से आपको सेटअप कर लेना है। तो ये है IQ का फ़ोन, और इस तरह से हमने सेटअप किया। और अब यहाँ पे एक काम और आपको करना पड़ेगा, आपका प्ले स्टोर में जाके, प्ले स्टोर कहिए या जीमेल कहिए जो भी, आपको यहाँ पर अपना एक अकाउंट सेट करना पड़ेगा, जिसे कि आप अपने प्ले स्टोर से, गूगल प्ले से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप को यूज कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सभी ऐप यहीं पे मिलता है। ओह नेट कनेक्शन कनेक्ट करना पड़ेगा,
तभी ये चीज़ होगा। तो नहीं तो फिलहाल तो आप फ़ोन कॉल एंड ऑल कैमरे का यूज़ हर चीज़ आप कर सकते हैं। कैमरे में एक सेटिंग को मैं चालू करने के लिए आप सबको बोलूँगा, कैमरे को ओपन करिए और यहाँ पर आपके फ़ोन में ना होता है AI का फीचर मोड, ये विविड नेचुरल टेम्परेचर इस तरह से है। तो विविड में आपको चाहिए ना कि ज़्यादा आपको ग्रीन वाले फ़ोटोज़ आपको पसंद आते हैं, ज़्यादा अगर वाइब्रेंट रहता है तो लाइट वगैरह, तो विविड आप रख दीजिए, तो इससे आपके बेटर फ़ोटोज़ आएंगे। और यहाँ पे एक फीचर मिलता है कुछ फिल्टर के, तो फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं। वैसे मैं जनरली नॉर्मल वाला रखता हूँ, नन वाला, जो कि मतलब डिफ़ॉल्ट जो पहले से आता है वही मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो सही मुझे लगता है। तो इस तरह से अपने फ़ोन में कुछ यूज कर सकते हैं कैमरे का। और स्टेबलाइजेशन अगर आपका बंद है तो इसको चालू कर दीजिएगा, इससे आप वीडियो जब रिकॉर्ड करोगे ना तो काफ़ी अच्छे स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड होंगे। ये थे कुछ सेटअप के बारे में जानकारी, कैसे अपने फ़ोन को सेटअप करेंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।